अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज। फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज में रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें टू टाइप्स की होती है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था, सेक्शुअल और एसेक्शुअल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल के जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, और एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दोनों सिस्टम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से सिस्टम्स होंगे, मेल का अलग से होगा और फीमेल का अलग से, ठीक है। और इसी बेस पे हम इसे क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि दोनों जो सिस्टम्स हैं वो एक ही बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया गया है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये फेस्टुला हिपेटिका का है, लिवर फ्लूइड का है, क्योंकि हम उसके बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसका ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। तो मेल में जब जहाँ भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो टेस्टिस हमारे माइंड में आती हैं कि टेस्टिस, इनमें स्ट्रक्चर जो है वो मेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिस कैसी हैं एंड पोस्टीरियर टेस्टिस हैं, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, टेस्टिस है। एंड वाली साइड पर इनको पोस्टीरियर टेस्टिस कहेंगे और फ्रंट साइड पर इनको क्या कहेंगे, एंटीरियर टेस्टिस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर क्या होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और फिर कुछ डक्ट्स होती हैं जो उन स्पर्म्स को लेके दूसरे सिस्टम्स की तरफ, दूसरे स्ट्रक्चर्स की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टेस्टिस के बाद कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये वाले जो है ये क्या है, ये वैस डेफरेंस है। वैस डेफरेंस जो है ये स्पर्म्स को लेके ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्योंकि ये पेयर की फॉर्म है तो पेयर है वैस डेफरेंस का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आगे स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो ये इनको यहाँ पे ड्रा करके दिखाया गया है, इनको थोड़ा बड़ा करके जूम करके कि ये हमें कैसा नजर आएगा। ये जो थी ये क्या थी, वैस डेफरेंस थी जो कि टेस्टिस से आ रही थी स्पर्म को लेकर, ठीक है, और यहाँ पे आके ये यूनाइट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे यूनाइट हो रही है वहाँ पे सक्कर वाला पोर्शन है, वेंट्रल सक्कर, जिसको एसिटाबुलम भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें तो हमको हमें नजर आ रहा होता है वेंट्रल उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एसिटाबुलम होता है जो कि अटैचमेंट के लिए हो रहा होता है। तो उस पॉइंट पे जाके ये दोनों जो वेस्ट डेफरेंस है ये यूनाइट हो रही है, ठीक है। यूनाइट होने के बाद ये एक और स्ट्रक्चर बना रही है, थोड़ा स्वोलन सा है, जिसको हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं, ठीक है। ये एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म्स जो है वो स्टोर होते हैं, ठीक है, इजैकुलेशन से पहले स्टोर होने वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सेमिनल वेसिकल। फिर वहाँ से जो है वो आगे स्ट्रक्चर आता है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये कवर हुई होती है एक स्ट्रक्चर से जिसको हम कहते हैं काइरस, ठीक है, और वहाँ से एक्सट्रेटरी पोर जो होता है जेनिटल पोर, वहाँ से आउटसाइड मूव कर जाते हैं ये जो पेनिस होते हैं, ठीक है। इसके थ्रू स्पर्म जो है वो आउटसाइड द बॉडी मूव करेंगे रिप्रोडक्शन पर्पसेस के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसमें पहले टेस्टिस आएंगी, टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर उनके ट्रांसफर के लिए एक डक्ट होगी जिसको हम वैस डेफरेंस का नाम देंगे, ठीक है। वैस डेफरेंस के बाद वो कहाँ आ जाएगी, यूनाइट हो जाएंगी दोनों वैस डेफरेंस, ठीक है, कौन से रीजन पे, वेंट्रल सर्कल वाले रीजन पे। उसके बाद एक और यहाँ पे पोर्शन होगा जिसको हम सेमिनल वेसिकल का नाम देंगे, वो किस लिए यूज हो रहा होगा, वो स्टोरेज के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है। फिर वहाँ से आगे इजैकुलेटरी डक्ट होगी, ठीक है, और काइरस होगा या फिर इसे पेनिस का नाम भी देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर जो कि हमने यहाँ पे ड्रा किया था, ये वेंट्रल सर्कल, तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर था जिसे हम जेनिटल पोर का भी नाम देते हैं। ये किस लिए होता है, ये मूवमेंट के लिए होता है, ताकि फर्टिलाइजेशन पर्पस के लिए यूज होता है स्पर्म के ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर था ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो फेस्टुला हिपेटिका में सिर्फ एक ही ओवरी होती है। जब भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ओवरी आती है, ठीक है, कि जहाँ पे भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा ओवरी वहीं पे होगी, ठीक है। और इसमें कितनी ओवरीज होती हैं, इसमें सिर्फ एक ही ओवरी होती है, वो कौन सी साइड पे होती है, वो राइट साइड पे होती है, ये वाली ओवरी है इसकी, ठीक है। ये एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जूम करके देखें तो ये हमें ऐसा नजर आएगा, ये, ठीक है। ये क्या है, ये ओवरी है जिसमें ओवम की, एग की प्रोडक्शन होगी, ठीक है, उसकी मैचुरेशन होगी, फिर उसके बाद ये ट्रांसफर करेगा ओवरी से ओविडक्ट में,
ओविडक्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ओविडक्ट से फिर कहाँ आएगा, फिर यहाँ पे इस वाले रीजन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सिक्रीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है शेल ग्लैंड। शेल ग्लैंड क्या होगा, ये शेल सीक्रेट करेगा जो आउटर कवरिंग बना देगा एग की, ठीक है। इसके अलावा हम आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ओविडक्ट जो है ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। जब एग यहाँ पे आएगा तब उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। फिर वो मूव करता हुआ जब इस पोर्शन पे आएगा तो यहाँ पे ग्लैंड्स जो हैं वो अपनी सिक्रीशन उस फर्टिलाइज्ड एग में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। शेल ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन ऐड करेगा, फिर यहाँ पे वेट लाइन डक्ट है, ठीक है। वेट लाइन डक्ट जो है इसको हम योक डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योक डक्ट, ठीक है। क्योंकि ये योक ऐड करता है, ठीक है। योक किसके होगी, न्यूट्रिशन पर्पस के लिए होगी, एग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब ये जो योक डक्ट है ये कहाँ से आ रही है, वेट लाइन डक्ट कहाँ से आ रही है, योक ग्लैंड से आ रही है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि ये योक ग्लैंड कहाँ से आते हैं। फिर यहाँ पे ये वाली सारी सिक्रीशन भी हो गई, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, यूट्रस का। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यूट्रस जो है ये एक ऐसा रीजन होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे डेवलपमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, डेवलपमेंट। किसकी डेवलपमेंट, फर्टिलाइज्ड एग की डेवलपमेंट यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है, यहाँ से योक ग्लैंड्स आ रहे हैं जो है वो वेट लाइन ग्लैंड्स आ रहे हैं, ठीक है। डक्ट आ रही है अपनी सिक्रीशन लेके, और यहाँ ये वाला जो है ये शेल ग्लैंड है जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, ठीक है। और ये वाले जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा कि ये जो यूट्रस है ये भी आके ज्वाइन करेगी इसके जेनिटल ग्लैंड में, ठीक है। जैसे ये वाला जो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो यहाँ पे आके ज्वाइन कर रहा था, वैसे ही जो है फीमेल का यूट्रस जो है वो भी आके जेनिटल पोर में ही ओपन हो रही है, ठीक है। दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे ओपन हो रही हैं, और इसी तरह से ये फर्टिलाइजेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होंगे जब फर्टिलाइजेशन होनी होगी, ठीक है। मेन जो है फेस्यूला हिपैटिका में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहीं पे, ये यूट्रस दिखाई गई है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है, ठीक है। बाकी सारे यहाँ पे होंगे, ये एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं। तो एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका यहाँ से स्पर्म आएंगे, ठीक है, और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके एग्स, और दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी और फिर उनकी डिवेलपमेंट होगी, ठीक है। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे डक्ट, वेट लाइन डक्ट का बताया था, ठीक है, और योक डक्ट का कि ये क्या होते हैं, ये सिक्रीशंस ऐड करते हैं, कुछ योक ग्लैंड्स होते हैं। ये वाले जो सारे हैं ये क्या है, योक ग्लैंड्स हैं। ये वाले ये देखिए, ये शेल ग्लैंड है, शेल ग्लैंड से ये जो डक्ट है ये वेट लाइन या फिर योक डक्ट है, यहाँ पे आके ये काफ़ी बहुत सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना रही है जो बहुत इलॉन्गेटेड है, पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं। ये क्या है, योक ग्लैंड है, जो कि योक की प्रोडक्शन, ये जो योक की प्रोडक्शन होती है ये फिर ऐड होती रहती है फर्टिलाइज्ड एग के साथ, ठीक है। ये उसको योक प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, जो कवर कर रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लेटिहल मेंथीज, खासतौर पर फेशियल हेपेटिका में, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में